अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज आपकी 13 मार्च दिन बुधवार हो चुका है, तो आज के हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो आज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों क्या क्या इसके विकल्प दे रखे हैं आपका, इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार पर रोक लगाना है, ठीक है ये आंसर तो सही है, यह गैर संवैधानिक निकाय है, जी हाँ पहली बार केरल विधानसभा चुनाव 1960 में लागू की गई। दोस्तों देखिए इसमें चारों विकल्प सही हैं, तो आप लोगों को ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे तीसरा विकल्प सही है या नहीं, तो दोस्तों यहाँ चारों विकल्प सही हैं। तो ये आपके लिए हमने एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाया कि आप लोग हर तरह के क्वेश्चन पर विचार करें कि कैसा भी क्वेश्चन आए आप करने में सफल रहे, ठीक है। तो आप लोग ने खाली ये सोचा होगा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे आज का दूसरा प्रश्न दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न क्या है आपका कि हाल ही पिनाका का सफल परीक्षण किया गया है, इसके संबंध में कौन सा तत्व सही है। दोस्तों पिनाका का सफल परीक्षण, ठीक है, पिनाका स्वदेश निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है, डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों पहला और तीसरा विकल्प उपयुक्त दोनों सही है, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इसका आपका विकल्प नंबर सी सही है। तो दोस्तों आपका पिनाका का स्वदेश निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग तैयार रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको हो सके तो कॉपी पर लिख लीजिए या अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न क्या आपका कि सी लाल स्वाता किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त के रूप में चुने गए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका है मिजोरम। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिए, ठीक है, इसका विकल्प नंबर एक सही है मिजोरम। तो जो आपके सी लाल स्वाता जी थे वो मिजोरम के राज्य के प्रथम लोकायुक्त के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो चौथा प्रश्न क्या आपका कि निम्न में से किस सुरक्षा बल ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका CISF, ठीक है, क्या आंसर है CISF। तो काफी बच्चे CRPF में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन, इस समय आज का लेटेस्ट घटना आपका CRPF वाला था, लेकिन इसका आंसर CISF है, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना, जो पुलवामा वाला अटैक हुआ था, इधर उधर अटैक हुए, तो उसमें याद रह जाता है कुछ क्वेश्चन, तो वो डाउट्स में रहते हैं, इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन हमने सोचा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोग पढ़िए दोस्तों कि निम्न में से CISF ने, मतलब CISF ने सुरक्षा बल ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो पांचवा प्रश्न क्या है आज का कि मूडीज ने 2019-20 के लिए ग्लोबल मैक्रो आउटलुक जारी किया है, इसके अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 कितनी रहने के अनुमान है। तो दोस्तों इसका आंसर है विकल्प नंबर सी 7.3%, ठीक है, क्या आंसर होगा आपका, विकल्प नंबर सी 7.3%। तो चलिए दोस्तों देखेंगे अब आज का अगला प्रश्न दोस्तों। तो सिक्स नंबर प्रश्न क्या है आपका कि सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2018 के अनुसार हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, ठीक है, हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश देखना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका अपना देश भारत, कौन आंसर है दोस्तों, अपने देश इंडिया या भारत। सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2018 के अनुसार भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, ठीक है ना, इसका आंसर ये है। तो चलिए दोस्तों देखेंगे अब आज का सातवां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो सातवां प्रश्न क्या है आपका कि किस भारतीय खिलाड़ी को बार्बी कंपनी द्वारा अपनी 60वीं वर्षगांठ पर बार्बी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है आपका, दीपा कर्माकर, क्या आंसर है आपको दोस्तों, दीपा कर्माकर। देखिए हम गलत
विकल्प को ज्यादा पढ़ने में भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को हमेशा वो चीजें याद होती है जो निगेटिव होती है। निगेटिव का मतलब होता है गलत चीजें। तो आप लोग हमेशा सही चीजों को भी याद करना सीखिए, तो सही पर टिक करेंगे दोस्तों, आपके साथ हमेशा सही ही होगा। ये टिप्स याद रखिए दोस्तों। देखिए, हम आपको चार विकल्प इसलिए दिए हैं क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हमें चारों विकल्प दीजिए, तो उसके अनुसार आपको चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोग हमेशा सही को याद करेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो आठवां प्रश्न क्या है आज का, कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ उदार वीजा नीति लागू करने के लिए समझौता को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका मालदीव। तो आप लोग भी दोस्तों वीडियो को रोक के अपना आंसर देने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपको अपने आने में कितने मतलब आपका तुक्का लग रहा है, या देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन आप लोग का तुक्का भी लग क्या होता है उसको भी ट्राई करा करिए, ठीक है दोस्तों। जब आपका लक रोज काम करेगा तो आपके पेपर में भी जरूर आपका लक या तुक्का साथ देगा। तो दोस्तों आप लोग कोशिश करा करिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करा करिए, उसके बाद तो हम आंसर आपको बताते ही हैं वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो नवा प्रश्न क्या है, सिर्री सुपारी को किसी स्थान के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों तो प्रश्न एक बार और देखेंगे कि किसको, सिर्री सुपारी को, ठीक है, किसी स्थान के लिए भौगोलिक संकेत या GI टैग जिसको बोलते हैं प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, एक बार आप लोग सोच लीजिए। तो दोस्तों आप लोग ने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर सही आंसर हम बताते हैं, इसका सही आंसर है आपका उत्तर कन्नड़ कर्नाटक, ठीक है, इसको टिक कर लेंगे दोस्तों। तो यही आपका सही आंसर था। तो चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों तो 10वां प्रश्न आपका क्या रहा, कि उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किन दो देशों का प्रथम उच्च स्तरीय दौरा पूरा किया है, ठीक है, किन दो देशों का प्रथम उच्च स्तरीय दौरा पूरा किया है, किसने, आपके उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका विकल्प नंबर, एक बार आप लोग सोच लीजिए फिर हम बताते हैं। तो आप लोग ने सोचा होगा दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका पराग्वे कोस्टारिका, ठीक है, कहां पर, पराग्वे कोस्टारिका, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। कौन सा आंसर सही है, विकल्प नंबर सी, तो इसको चलिए टिक मार देते हैं। और जिन बच्चों ने 10 में से 10 नंबर क्वेश्चन किए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों जिनके 10 में से 10 क्वेश्चन सही हुए हो। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन लगे या नहीं, और आप लोग स्तर बताइएगा और कठिन क्वेश्चन लाया जाए, और भी इंटरेस्टिंग, और किस तरह की आपकी खबरें चाहिए तो आप लोग दोस्तों बता सकते हैं। खबरें का मतलब किस प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके करंट से क्वेश्चन थे, हो सकता है कुछ बच्चों को और तरह के क्वेश्चन चाहिए होते तो वो भी बता सकते हैं हमें, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा जरूर। दोस्तों तो जल्दी से एक बार फिर से क्विक जल्दी से पूरा रिविजन करेंगे सारे प्रश्नों के, तो खाली क्वेश्चन देखेंगे आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हमको पता है दोस्तों कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार को रोक लगाना है, ठीक है, यह गैर संवैधानिक निकाय है, पहली बार केरल विधानसभा चुनाव 1960 में लागू की गई। तो दोस्तों इसमें सभी आंसर सही थे, इसलिए हमने इसका टिक मारा था उपयुक्त सभी। तो दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा उसके बाद, हाल ही पिनाका का सफल परीक्षण किया गया है, इसके संबंध में कौन सा तत्व सही है। तो दोस्तों हमें पता है कि पिनाका स्वदेश निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है, ठीक है, DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने तीसरा प्रश्न क्या पढ़ा, कि श्री लाल स्वाता किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त के रूप में चुने गए। तो दोस्तों हमें पता है इसका आंसर आपका आया था मिजोरम। तो फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा, कि निम्न में से किस सुरक्षा बल ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हमें पता था दोस्तों CISF। फिर मूडीज ने 2019-20 के लिए ग्लोबल मैक्रो आउटलुक जारी किया है, इसके अनुसार, ठीक है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में कितने रहने का अनुमान है। तो दोस्तों इसका आंसर था 7.3%। दोस्तों तो उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा कि सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट ट्रेंड्स
इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2018 के अनुसार हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हमने पढ़ा दोस्तों, भारत है। फिर दोस्तों हमने तुरंत ही सातवां क्वेश्चन देखा कि किस भारतीय खिलाड़ी को बार्बी कंपनी द्वारा अपनी 60वीं वर्षगांठ पर बार्बी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हमने दोस्तों पढ़ा था आपका, दीपा कर्माकर। फिर दोस्तों आठवां प्रश्न क्या आया था, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ उदार वीजा नीति लागू करने के लिए समझौता को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या पड़ा था हमने, मालदीव। दोस्तों नवा क्वेश्चन क्या आया था, सिरसी सुपारी को किसी स्थान के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, उत्तर कन्नड़ कर्नाटक। फिर दोस्तों लास्ट में दसवां प्रश्न हमने पढ़ा था, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा किन दो देशों का प्रथम उच्च स्तरीय दौरा पूरा किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हमने पढ़ा था पराग्वे कोस्टारिका। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा और अच्छे से प्रैक्टिस में ले आइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और सभी बच्चों का दिन शुभ जाए। हैव अ नाइस डे।